हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता के बारे में। धातुएं प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यह अवस्थाएं इनकी क्रियाशीलता के आधार पर होती हैं, जैसे मुक्त अवस्था में व संयुक्त अवस्था में। नेटिव स्टेबल मेटल्स जो कि कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे ऑरम, अर्जेंटम, प्लेटिनम इत्यादि, यह मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि क्रियाशील धातुएं संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे एम धातु ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या नमी जो वातावरण में उपस्थित होती है से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं, जो कि कार्बोनेट, ऑक्साइड या सल्फाइड जैसे यौगिक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के उदाहरण हैं, जबकि जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इत्यादि धात्विक ऑक्साइड हैं जो ऑक्सीजन की धातु से क्रिया करने से बनते हैं। इसी प्रकार कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और जिंक सल्फाइड धात्विक सल्फाइड के उदाहरण हैं। धन्यवाद।